यहाँ पे लेट क्यों है उसका एक कारण पानी डाल। और बारिश लग चुकी है जोरों की। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे। और स्वागत है आपका एक नए सफर में, और स्वागत है आपका झांसी के झांसी रेलवे स्टेशन पे। करते हैं वंस मोर जर्नी, घूमो इंडिया एंड घुमाओ इंडिया। और दोस्तों, आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है वो हज़रत निजामुद्दीन से लेके यशवंतपुरम के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की होने वाली है। तो हम लोग आ चुके हैं झांसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पे, और यहाँ पे अपनी ट्रेन आ चुकी है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और इसी की अपनी जर्नी होने वाली जनरल कोच में। तो आइए चलते हैं जनरल कोच में और ट्रेन को बोर्ड करते हैं, फिर दिखाते हैं उसका इंटीरियर। राइट समय 5:20 पे अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है भोपाल जंक्शन से। बाकी भोपाल की बात करें तो 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और बात करें ट्रेनों की तो 219 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्टिंग है, और 19 ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट होती है और 19 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं। बाकी भोपाल पड़ता है अपना NCR के भोपाल मंडल में। ट्रेन का सीधा अगला स्टॉपेज पड़ेगा नागपुर, तो सीधा आपको नागपुर का अराइवल दिखाते हैं।
नागपुर जंक्शन, और हमारी ट्रेन आ चुकी है नागपुर जंक्शन पे। और नागपुर जंक्शन का ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2, और बारिश लग चुकी है जोरों की। तो रात के 11:30 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है नागपुर जंक्शन पे। नागपुर जंक्शन पे आने का इसका टाइमिंग था 11 बजे, लेकिन ये ट्रेन अपनी आई है 30 मिनट लेट, यानी 11:30 बजे। और नागपुर तो किस लिए फेमस है आप लोग जानते ही हैं, संतरों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पहुँचने के साथ ही आप लोग पीछे देख सकते हैं काफ़ी भयंकर बारिश लग चुकी है। और बात करें नागपुर की तो नागपुर टोटल 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 216 यहाँ पे ट्रेनें हॉल्टिंग करती हैं और 16 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, 16 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। तो नागपुर अपना पड़ता है सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न में। नागपुर जंक्शन क्यों, तो जंक्शन क्यों इसलिए क्योंकि नागपुर हम लोग जिधर से आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से, और एक तरफ जिधर जाएंगे बल्लारसा होके चेन्नई की तरफ, तो एक ये रूट और एक लाइन यहाँ से मुंबई के लिए जाती है और एक लाइन अपनी इधर प्रयागराज हो के तरफ जाती है, तो इसीलिए जंक्शन पॉइंट पे हुआ। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का टोटल 10 मिनट का हॉल्टिंग है, इसके बाद दिखा देते हैं आपको डिपार्चर। इसके बाद मिलते हैं आपसे एकदम सुबह में, कि रात काफ़ी हो चुकी है, और मिलते हैं आपसे सुबह में। नागपुर जंक्शन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। और रात काफ़ी हो चुकी है, बारिश भी लग चुकी है, काफ़ी जोरों की बारिश हो चुकी है। नागपुर जंक्शन पानी वो डाल स्वागत है दोस्तों आपका निजामों के शहर हैदराबाद में। और शाम के बज रहे हैं 4:30 और अपनी ट्रेन आ चुकी है हैदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, हैदराबाद कांचीगुड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन का आने का टाइमिंग था सुबह के 8:30 बजे, लेकिन अपनी ट्रेन आई है पूरे 8 घंटे से भी ज़्यादा लेट है, 4:30 बजे शाम को आई है। 8:30 बजे सुबह आने का टाइम था, 4:30 बजे शाम को आई है, तो समझ लीजिए आप कितना लेट है। और कांचीगुड़ा स्टेशन पे, और बात करें हैदराबाद कांचीगुड़ा स्टेशन की, तो टोटल 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और 66 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्टिंग है। 31 ट्रेनें ओरिजिनेट होती है और 33 ट्रेनें टर्मिनेट होती है। तो ये अपना हैदराबाद कांचीगुड़ा पड़ता है
साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद डिवीज़न में। अपनी ट्रेन यहाँ पे लेट क्यों है, उसका एक कारण है कि अपनी जो ट्रेन नागपुर से चली थी और बीच में एक स्टेशन पड़ता है मांजरी जंक्शन, मांजरी जंक्शन से और सीताफल मंडी के बीच अपने ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से इस ट्रेन को बहुत घूम के आना पड़ा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो यहाँ पे टोटल इसका 5 मिनट का हॉल्टिंग है और इसके बाद चलते हैं, दिखा देते हैं इसका डिपार्चर और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। हैदराबाद कांचीगुड़ा से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट था लेकिन ट्रेन रोका गया 15-20 मिनट। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज कुरनूलू सिटी पे। कांचीगुड़ा कुरनूलू सिटी। कुरनूलू सिटी का यह है प्लेटफार्म नंबर 2 और टाइमिंग देख लीजिए 21:24। तो स्वागत है दोस्तों आपका कुरनूलू सिटी में, और रात के 9:25 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है कुरनूलू सिटी के प्लेटफार्म नंबर 2 पे। अब बात करें कुरनूलू सिटी के बारे में तो नंबर ऑफ प्लेटफार्म, टोटल 3 प्लेटफार्म का स्टेशन है। 9 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, 9 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। तो ये पड़ता है साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद डिवीज़न में। और अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है कुरनूलू सिटी से और मिलते हैं आपसे सुबह में। अच्छा बात करें, अच्छा बैठो तुमको घरवाले घरवाले नहीं है, आराम से बात करें। अच्छा तुम देखो बस, तुम देखो, अरे यार, तुम देखो, कपड़े चीज़, तुम देखो चल।
मेरे को सीएमपी ऑफिसर में मेरे को कहीं डाले को जेल में डाले बड़े कबल मारे मेरे को मारे तुमको तुम्हारे में आदमी के मन में तुमको बोली से एक तुम मेरे से किसी टिकट भी नहीं लेवड़े का लेवड़े का तुम बात हो बड़े श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन समय देख लीजिए 4:53 और ये है हुबली जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो स्वागत है दोस्तों आपका सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन पे और सुबह के 5 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो यहाँ पे इसके आने का टाइमिंग था शाम को 8:30 के लगभग और ये ट्रेन आई है लगभग 8-8.5 घंटे लेट यानी सुबह के 5 के लगभग। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है अपनी जर्नी और अगर जर्नी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको ऐसे अच्छी जर्नी मिलती रहेगी। बाकी ख़त्म करते हैं यहीं पे जर्नी के और मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।